इस लैपटॉप को देखो दिखने में कैसा है, 4 लाख रुपए वाला लैपटॉप। ये रहा 10 ईयर ओल्ड लैपटॉप। ये रहा लैपटॉप। ये देखो इसकी हालत गाइस, अभी भी ये लैपटॉप इस ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी ऑन हो रहा है। मेरा फर्स्ट लैपटॉप है, ये है HP की लेटेस्ट जनरेशन का सबसे महंगा लैपटॉप HP Spectra X 360 और ये पूरे 4 लाख रुपए का है, जो कि बहुत ही महंगा है। सो गाइस इस लैपटॉप को देखो, बहुत ही स्मूथ और सिल्की है, 4 लाख रुपए। चलो इसको मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ ताकि दिखने में कैसा है 4 लाख रुपए वाला लैपटॉप। वाओ गाइस, लेकिन इससे भी मजे की बात यह है कि मेरे पास एक ऐसा लैपटॉप भी है जो कि जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल भी चौंक जाओगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 10 ईयर ओल्ड लैपटॉप, जो कि दिखने में कैसा लगेगा वो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसको नीचे रखते हैं और ये रहा 10 ईयर ओल्ड लैपटॉप। देख सकते हो इंटेल कोर i3 ये मॉडल है, और इसके बाद बैक साइड पर देखो किसका लोगो लगा हुआ है, नवाज शरीफ। सो गाइस ये उस टाइम मुझे मिला था जब हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, नवाज शरीफ ने दिया था हमें, और 10 ईयर ओल्ड 10 साल पहले। और आज देखो ये अभी जस्ट ऑन हो रहा है, जस्ट शो पीस के लिए। ये इसका बेकार चीज़, ये सब कुछ इसका बेकार है और ये भी काम इसका नहीं कर रहा। और ये देखो इसकी हालत, पीछे से रंग उड़ गया है, सब कुछ मैला खचाला हो चुका है। तो गाइस अभी इसको हम आपको अगर ऑन करके दिखाएं तो इसमें ये देखो पहले से ऑन हुआ है, इसमें सॉफ्टवेयर भी कुछ पहले से इंस्टॉल हुए हैं। ये देखो इस पर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसको अटैच रन करने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगाया हुआ है अपनी तरफ से, और इसको यहाँ से इसको हम चला सकते हैं। फिर अभी हम इसको आपको चला कर दिखाते हैं। सो गाइस इसको चलाने के लिए, ये तो इसकी भी काम नहीं कर रही, ये देखो माउस की मदद से आप इसको चला सकते हो। ये इसकी साइड जो है वो भी किसी टाइम वर्किंग नहीं करती, और जस्ट थोड़े छोटे मोटे काम करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये है सबसे पुराना, और उसके बाद भी है इससे भी, जब इस ये एक्सपायर थोड़ा हो रहा था उससे अगला जो लैपटॉप हमने लिया था वो ये रहा। ये देख सकते हो, थोड़ा सा मेरा कैमरामैन थोड़ा करीब आएगा और आपको दिखाएगा, ये रहा लैपटॉप। ये उस टाइम जो था ये 90,000 रुपये का था, तकरीबन 4 साल पहले। और इसके बाद हमने ये लिया, ये 4 लाख रुपये का, वो भी तकरीबन 4-5 दिन पहले, जिसकी वीडियो मैंने डाल रखी थी। और अगर आप नहीं देखे, नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। चलो इसको रन करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्रोम ओपन करते हैं। क्या ये गूगल अभी भी चलाता है? अभी इसका कीबोर्ड जो है बिल्कुल बेकार है, काम वर्किंग नहीं करा। और ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसको रगड़ो और यहाँ से उखड़ भी जाता है कीबोर्ड इसका, यहाँ से निकलेगा कीबोर्ड इसका। ये देखो इसकी हालत गाइस, अभी भी ये लैपटॉप इस ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी ऑन हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी हिम्मत है। ये लैपटॉप उस टाइम मुझे मिला था, उस टाइम मेरे लिए बहुत सहारा था ये, क्योंकि उस टाइम मेरे पास और कोई लैपटॉप नहीं था, मेरा फर्स्ट लैपटॉप है। और मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा दूँ, और आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। चलो इसको कमेंट में बताना कैसा लगा आपको लैपटॉप। लेकिन ये अभी देख सकते हो ये रन हो रहा है, लेकिन बहुत समय ले रहा है, बहुत टाइम के बाद ये देख सकते हो बहुत टाइम लेता है, उसके बाद हैंग हुआ है, मतलब कि ये उस तरह से काम नहीं कर रहा। ये देखो एक टैब खोलते हुए भी हमें काफ़ी टाइम लग रहा है। सो ये लैपटॉप कुछ इस तरह का है, लेकिन इस लैपटॉप को मैं कभी बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लैपटॉप है। ये हमें अभी, ये देखो इसको क्लोजिंग कर रहे थे, ये हमने कुछ क्लोजिंग कर रखी है, और ये देखो ये रहा। तो सो अभी हम यहाँ पर पैकिंग चल रही है, और मेरे पास लैपटॉप निकल आया इतना पुराना, और मैंने सोचा यार शायद आपको भी दिखा दूँ, शायद आपका आप भी थोड़ा सा इंटरटेन हो जाओ। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को इससे भी, हाँ इससे भी एक पुराना
मतलब कि इससे भी थोड़ा सा आगे है। एक मेरे पास और लैपटॉप है, वो फिर मैं आपको मिला तो इस कचरे में से तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, वरना अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और नवाज शरीफ का ये लैपटॉप दिया हुआ लैपटॉप कैसा लगा ये भी बताना। सो मिलते हैं, नवाज शरीफ तो नहीं रहा लेकिन लैपटॉप अभी भी हमारे पास मौजूद है। देखो अभी भी मतलब कि सांसें चल रही हैं इसकी, बाकी इसमें हरकत मरकत कोई नहीं है। इसे तुम हावी सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं चला सकते, और इस नहीं चला पा रहा था तभी तो मैंने ये लिया, और 4 लाख रुपये वगैरह मैं थोड़ी ना ज़ाया करता। गाइस ये देखो, इसे अभी अगर मैं बेचने जाऊँ तो कबाड़ में मुझे 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे, नवाज शरीफ का नाम सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो गाइस वो भी है, वो अभी चल रहा है। और उसके बाद ये रहा आफ्टर इफेक्ट चलाने के लिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए वो रहा। और इसे अभी हमने शो पीस के लिए जस्ट अ गिफ्ट नवाज शरीफ की तरफ से हमने रखा हुआ है, और आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय।